नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। इस सेशन में हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और उन सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सो वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मार्च 2021 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो वर्तमान में भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या है 12। ध्यान रखिए, अब ये 12 है कौन से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब और सिंध बैंक। ये कुल मिलाकर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक से वर्तमान में। अच्छा, अगर प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए और पूछा जाए कि पब्लिक सेक्टर बैंक तो हो गए 12, बट भारत में वर्तमान में बैंकों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत में कुल 34 बैंक है जो कि दो भाग में डिवाइडेड है। 12 इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक है और 22 जो है वो प्राइवेट बैंक्स हैं। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, तो वो था एयरटेल पेमेंट बैंक, और आखिरी कौन सा है अभी तक का, वो है जियो पेमेंट बैंक। भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, वो था कैपिटल लोकल एरिया बैंक, और लास्ट अभी तक कौन सा है, वो है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ध्यान रखिए, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर रुख करते हैं कि शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितने नंबर के गवर्नर है। आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए दोस्तों। तो शक्तिकांत दास जो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, ये भारत के 25वें नंबर के गवर्नर है। ध्यान रखिए, अब आपके मन में डेफिनेटली बहुत सारे प्रश्न जन्म ले चुके होंगे कि प्रथम कौन थे 25वें नंबर के, तो ये हैं, तो प्रथम गवर्नर कौन थे। सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। चलिए शुरुआत करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये इसके 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है मुंबई। बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, बैंकिंग सिस्टम में होता क्या है। बैंकिंग सिस्टम को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें सबसे ऊंचा होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि हमारे वित्त मंत्रालय होते हैं। उसके बाद होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी ये केंद्रीय बैंक होता है, सभी बैंकों का संचालन का काम करती है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके नीचे होते हैं शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक और उसके बाद कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के बाद ही इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिए, और इस वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, बट हमेशा से इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं था। 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, बाद में ट्रांसफर करके इसका हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई के गवर्नर के बारे में, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर है, तो बता दूं सर ओसबर्न स्मिथ जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, और टोटल में बात करें तो ये आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे। इसके अलावा रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया कि आरबीआई के ये जो आप लोग लोगो देख पा रहे हैं, इसमें दो चित्र हैं, एक जानवर देख पा रहे हैं और एक वृक्ष का चित्र देख पा रहे हैं, ये किस वृक्ष का चित्र है और कौन सा जानवर है। तो इसमें जो वृक्ष है ये ताड़ का वृक्ष है, और इसमें जो जानवर है ये रॉयल बंगाल टाइगर है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चित्र था, प्रतीक चिन्ह था, उससे ये लिया गया है। तो यहां से आपको ये सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये बताइए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, नेशनलाइजेशन कब किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आरबीआई के बाद बात आती है भारत के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। चलिए इसको भी डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई प्रथम यानी 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिए, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई और 1955 में जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ नाम कीजिएगा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। तो चलिए फटाफट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कवर कर लेते हैं। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली नियुक्ति हुई है, तो दिनेश कुमार खरा जी वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा आप बता दो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता क्या है, माफ कीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता क्या है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और उसके नीचे जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, बट सभी बैंकों में ऐसा नहीं होता, एक चेयरमैन और एक मैनेजिंग डायरेक्टर ही होते हैं, बट स्पेशली एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
में होता है, एक चेयरमैन होते हैं और उसके नीचे चार मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो SBI के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरे जी हैं। और इसके चार जो नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन से हैं? CS सेट्टी जी यानी चुल्लू श्रीनिवासन सेट्टी जी, दूसरे जो है अश्विनी भाटिया जी हैं, तीसरे स्वामीनाथन जी हैं और चौथे जो है अश्विनी कुमार तिवारी है। ये चार MD हैं और एक चेयरमैन है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रिसेंटली जो RBI का एग्जाम हुआ और रिसेंटली जो रेलवे का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछ लिया गया कि RBI जो है कितने बैंकों की मर्जिंग के पश्चात बनी थी। तो RBI कुल 5 बैंकों की मर्जिंग के पश्चात बनी थी, जिनमें से आपको स्टेट बैंक ऑफ तिरुवंकूर, हैदराबाद, पटियाला ये सब मिलकर, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, मैसूर, ये सब मिलकर 5 बैंक ऐसे थे जिनकी मर्जिंग के पश्चात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि शुरुआत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो शुरुआत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1955 में बाद में जो है इसका बैंक नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाने के पश्चात जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, जिनमें से 5 बैंक जो है, 5 छोटे छोटे बैंकों को मिलाकर बाद में मर्जिंग की गई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है, तो मे बी आपके दिमाग में आ सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट आपको बता दूं कि ये नहीं था। भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ध्यान रखिए। बैंक ऑफ हिंदुस्तान देश का सबसे पहला बैंक था, 1770 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और बाद में 1832 में ये बंद भी हो गया था। और ये भारत का पहला बैंक था जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी, तो जैसे मैंने बताया कि 1770 में यानी 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी, बाद में जाके 1832 के आसपास जो है ये बंद हो गई थी। अगला प्रश्न जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पूर्ण रूप से पहला बैंक कौन सा था, क्योंकि इसके पहले जो भी बैंक बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे उनके खुद के प्रॉफिट के लिए, बट भारत का अपना खुद का पहला बैंक था पंजाब बैंक, ध्यान रखिए। पंजाब नेशनल बैंक भारत का खुद का पहला पूर्ण रूप से इंडियन बैंक था। अगला प्रश्न है कि भारत में जो बैंकिंग सिस्टम थी या भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में पहली बार हुआ था। भारत में 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसमें 19 जुलाई का दिन काफ़ी खास था, क्योंकि 19 जुलाई 1969 में ही पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसमें 14 जो है बड़े बैंक जो है पहली बार राष्ट्रीयकृत की गई थी। तो जैसे मैंने बताया कि 2 बार अभी तक राष्ट्रीयकरण हो चुका है, 1969 में पहली बार हुआ जिनमें 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, उसके बाद 1980 में फिर से राष्ट्रीयकरण हुआ कि उसमें कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, तो 1980 में कुल 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, यानी 1969 में पहली बार 14 बैंकों को और 1980 में 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया यानी 1969 में, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने ही पहली बार 1969 में राष्ट्रीयकृत किया था 14 बैंकों का, बाद में 1980 में पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार से 14 और 6 कुल मिलाकर 20 बैंक जो है राष्ट्रीयकृत हो गए। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग जगत में आप लोग बार बार सुनते होंगे KYC, यानी अगर आप लोग KYC नहीं करते होंगे तो कुछ दिन बाद अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है, आपको पता है, और बैंक वाले कहते हैं कि आपको KYC क्लियर करना जरूरत है। बट KYC का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इसमें कस्टमर की डिटेल मांगी जाती है, सारी डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है और बैंकिंग जगत में KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है Washington DC में। अब इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। देखिए, तो एक चीज क्लियर कर दूं कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, बट ये टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो बाद में देखते हैं और आपको लगता है कि इसके अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बाकी लोगों को भी इसका फायदा पहुंच पाए। सिर्फ ये नहीं, जो चीज़ें अपडेट हो जाती है टाइम के साथ उसे आप बाद में कमेंट कर दीजिए कि ये चेंज हो गया और वो बाकी लोग भी इसका हेल्प ले पाएंगे, जिससे वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है डेविड मालपास, ध्यान रखिए। और इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी है अंशुला कांत, जो भारतीय मूल की है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, ध्यान रखिए, और इसका क्वार्टर है Washington DC में। कुल 189 देश इसमें शामिल है। अब वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की बात करते हैं, ये एक संस्था है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसके जो 189 देश है उसको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने का काम करती है वर्ल्ड बैंक।
अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वो प्रकाशन करती है, तो इसे पब्लिश करने का काम करती है विश्व बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है, ओपेक, नाटो, ब्रिक्स या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से केवल भारत जो है वो ब्रिक्स देशों का ही सदस्य है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, फुल फॉर्म होता है क्या, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। इनमें अंतिम देश जो शामिल हुआ था वो था साउथ अफ्रीका। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपेक फॉर फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी मुख्य रूप से जो देश पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं उनका समूह है ये। और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 11वां स्थान है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे BSE के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है BSE, और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, विक्रमजीत सेन जी। और ध्यान रखिए विश्व का अगर सबसे टॉप स्टॉक एक्सचेंज यानी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज पूछा जाए तो पहले नंबर पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रुपये या नोटों में आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी भाषाओं में लिखी रहती है, तो उसमें कितनी भाषाओं में लिखी रहती है, तो कुल 15 भाषाओं में इसमें लिखी रहती है नोट में। अच्छा, नोट की जब भी बात आती है एक खास चीज पूछी जाती है कि 1 रुपये की जो करेंसी होती है उसमें किसका सिग्नेचर होता है, उसमें भारत के वित्त मंत्रालय का सिग्नेचर होता है यानी भारत के वित्तीय सचिव का सिग्नेचर होता है, जबकि भारत के जितने भी नोट होते हैं उनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होता है। आगे बढ़कर बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन है MR कुमार, यहाँ रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कहाँ पे है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया कि बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी की जाती है, अगर आपको नया बैंक खोलना हो तो उसका लाइसेंस देता कौन है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ों के लाइसेंस अलग अलग जगह से मिलती है, बट अगर बैंक खोलना हो तो उसका लाइसेंस कौन देता है, तो उसका लाइसेंस RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहला ATM किस बैंक ने स्थापित किया था, तो आपको दिमाग में जरूर आता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट उत्तर है HFBC। HFBC ने पहली बार भारत में ATM की स्थापना की थी। आपको बता दूं कि पूरे विश्व में अगर पूछी जाए तो पहला ATM 1967 में लंदन में स्थापित किया गया था, और भारत में अगर पूछा जाए तो 1987 में पहला ATM लगाया गया था HFBC के द्वारा मुंबई में। तो डेट याद रखिए 1987, और किसके द्वारा, HFBC के द्वारा, और कहां पे, मुंबई में लगाया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि NASDAQ क्या है, तो NASDAQ आपको बता दूं ये भी स्टॉक एक्सचेंज है, और ये कहाँ के स्टॉक एक्सचेंज है, ये न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग NASDAQ शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं SEBI के बारे में। SEBI की स्थापना कब हुई थी, तो SEBI की स्थापना की गई थी अप्रैल 1988 यानी 1988 में SEBI की स्थापना की गई थी। इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 अप्रैल 1988 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है अजय त्यागी जी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और हाल ही में SEBI के नए ED यानी कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त किए गए थे, तो बबीता राइडो को हाल ही में ED नया नियुक्त किया गया SEBI का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें जितने भी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है और प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसके MD CEO के बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा, जैसे कि ये पंजाब नेशनल बैंक है, इसके MD कौन है, CEO कौन है, पंचलाइन क्या है, या तो फाउंडेशन की कब हुई थी। मैं चाहता था कि इसी में मैं इंक्लूड कर दूं, बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपके लिए टेंशन हो जाएगी यानी मिक्स्ड अप हो जाएगा, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से वीडियो बना दूं जिनमें जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक है उसके MD CEO हैं, पंचलाइन है, उसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा, कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए। तो दोस्तों देर न करते हुए आज के क्विज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप सब इसका उत्तर कर पाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि तमाम वो दोस्त जो इसे देख रहे हैं सभी इसका उत्तर करें। अब मैं इसलिए उत्तर करने के लिए कहता हूं कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा, साथ में अगर आप लोग एक बार इसका उत्तर दे देंगे तो कभी भी नहीं भूलिएगा। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है, नागपुर, दिल्ली, मुंबई या भोपाल, अगर एक बार आप इसका उत्तर दे देते हैं कमेंट बॉक्स पे तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो इस प्रकार के आप हैबिट जनरेट कीजिए। ये मेरे लिए कोई फायदेमंद खास नहीं है कि आपका उत्तर करना या नहीं करना, बट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है कि आपको एंगेज रखना ताकि आप कभी ना भूले।
इसके साथ साथ अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कल फिर इसी वक्त आपसे जुड़ेंगे। जय हिंद जय भारत दोस्तों।